नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 सितंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने आईएएस आईपीएस और आईएफओएस अधिकारियों को भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य होने के दौरान विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिले उपहारों को अपने पास रखने की अनुमति देने के लिए 50 साल पुराने नियम में संशोधन किया है। मौजूदा नियमों के तहत अगर उपहार देना प्रचलित धार्मिक और सामाजिक प्रथा के अनुरूप हो तो इन अधिकारियों को शादी, वर्षगांठ, अंत्योष्टि और धार्मिक समारोह जैसे अवसरों पर अपने करीबी रिश्तेदारों या मित्रों से उपहार स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। अगर इस तरह के उपहार का मूल्य 25,000 से अधिक है तो इस बारे में सरकार को बताना पड़ेगा। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में मंगलवार को आरक्षित दरों को लेकर निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय हुआ कि 20,000 रुपये से अधिक डीएलसी दर होने पर उस पर बढ़ी डीएलसी दर का 40% 20,000 में जोड़कर उस क्षेत्र की आरक्षित दर मानी जाएगी। वहीं जिन क्षेत्रों में डीएलसी दर 20,000 रुपये है उसकी आरक्षित दर यही रहेगी। बैठक की अध्यक्षता महापौर मुनीश गुर्जर ने की। पुलिस की दोहरी कार्यप्रणाली जयपुर ग्रामीण में देखने को मिली। सुबह एसपी ने एक थानाधिकारी को सम्मानित किया, दोपहर होते होते उसी थानाधिकारी को आईजी ने दूसरे मामले में निलंबित भी कर दिया। मंगलवार को जयपुर जिले के प्रागपुरा थाना इंचार्ज शिव शंकर को एसपी शंकर दत्त शर्मा ने चुनावों में अच्छा काम करने और प्रागपुरा में मूर्ति चोरी प्रकरण खोलने के लिए पीठ थपथपाते हुए सम्मानित किया था। दोपहर में रेंज आईजी डॉक्टर हवा सिंह घुमरिया ने उन्हें धारा 307 के मामले में अनियमितता बरतने के कारण निलंबित कर दिया। प्रदेश में पिछले दिनों हुए बिजली संकट से सबक लेते हुए अब ऊर्जा विभाग बिजली उत्पादन डिमांड व सप्लाई की रियल टाइम डाटा तैयार करवाएगा। प्रदेश में सरकारी बिजली घरों से उत्पादित बिजली की रेट और प्राइवेट पावर प्लांट से मिल रही बिजली का भी तुलनात्मक विश्लेषण होगा ताकि बिजली का नियमित रूप से विश्लेषण किया जा सके और महंगी बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। इसके साथ ही पावर प्लांट पर कम से कम 2 सप्ताह का कोयला स्टॉक में रखा जाएगा। राजसमंद के कुंभलगढ़ स्थित एक रिजॉर्ट में बुलाई गई प्रदेश भाजपा की चिंतन बैठक के दूसरे और अंतिम दिन भी आज विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। बैठक का मुख्य फोकस वर्ष 2023 में प्रस्तावित राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के साथ ही सत्ता में काबिज होने की रणनीति बनाने पर है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह बैठक में शामिल हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज भी यहां नहीं पहुंची। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं भूपेंद्र यादव भी नहीं शामिल हुए। सीकर क्षेत्र में मंगलवार को ग्रामीण महिला महाविद्यालय के सेंटर पर गलत प्रश्न पत्र बांटने का मामला सामने आया। यहां सुबह एमए प्रीवियस में भूगोल व इतिहास का पेपर कई परीक्षार्थियों को बांट दिया गया। कटराथल स्थित कला महाविद्यालय की स्वयं पाठी छात्रा को एमए प्रीवियस में भूगोल प्रथम के स्थान पर इतिहास प्रथम का पेपर मिला। समय सीमा की पाबंदी और पेपर में पाठ्यक्रम बदलने का सोचकर छात्रा ने पेपर भी दे दिया। सेंटर से निकलकर जब सवालों पर गौर किया तो हकीकत सामने आई। जोधपुर नगर निगम के डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले एक ऑटो चालक के साथ अज्ञात लोगों ने सुबह मारपीट की। इसके विरोध में आज अन्य सभी कचरा संग्रहण ऑटो चालक हड़ताल पर चले गए और निगम कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी और समय पर वेतन देने की मांग की। अब तक मानसून से नाउम्मीद रहे पश्चिमी राजस्थान में पिछले 2 दिन से हो रही रिमझिम ने फसलों को जीवन दान देने का काम किया है। सिंचित और असिंचित दोनों ही क्षेत्रों के किसान को पानी का बेसब्री से इंतजार था। मानसून की मेहरबानी विलंब से होने के कारण उन्हीं किसानों को लाभ मिल सकेगा जो बुआई कर चुके हैं, क्योंकि नई बुआई अब नहीं हो रही। उधर बारिश के साथ ही तापमान में भारी गिरावट हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने ईडी को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए हैं, वहीं उनको भी अनुसंधान में सहयोग करने का निर्देश दिया। इस संबंध में अग्रसेन गहलोत की ओर से अधिवक्ता विकास बालिया ने याचिका पेश की थी। गहलोत के यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पिछले साल 22 जुलाई को छापेमारी की गई थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बीकानेर के गवर्नमेंट सुरसागर इंग्लिश मीडियम स्कूल सहित वल्लभ नगर, उदयपुर और राजा रामदेव पोद्दार जयपुर के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए एडमिशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इन नए अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 से शुरू होंगी। आवेदन 27 तक किए जा सकेंगे। स्टूडेंट्स का प्रवेश लॉटरी से होगा।
विभिन्न कक्षाओं में स्वीकृत अधिकतम सीटों के मुताबिक प्रवेश दिया जा सकेगा। जोधपुर रेलवे के मंडल कार्यालय के सभा कक्ष में मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तथा राजभाषा पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी गोपाल शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने सरकारी कामकाज में हिंदी का सर्वाधिक व सराहनीय प्रयोग करने के लिए चयनित 50 कर्मचारियों को सम्मानित किया। शाहजहां में बन रहे राजस्थानी थीम के एक रिजॉर्ट में महाराणा प्रताप की 14 फीट ऊंची ऐसी कांस्य प्रतिमा लगाई जाएगी जिसमें पहली बार महाराणा घोड़े की बजाय अपने प्रिय हाथी राम प्रसाद पर बैठे नजर आएंगे। ये योद्धा की बजाय एक ऐसे राजा की छवि होगी जो नगर विहार पर निकले हैं। इसके साथ ही दो और खास प्रतिमाएँ दुबई के इस रिजॉर्ट के लिए तैयार की गई हैं। इनमें से एक है बीकानेर के पूर्व महाराजा गंगा सिंह और चित्तौड़गढ़ की रूपवती रानी पद्मिनी की। जोधपुर नगर निगम के म्युनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सरदारपुरा स्थित मोटर मर्चेंट एसोसिएशन हॉल में आयोजित किया गया। इसमें 41 सदस्यों की कार्यकारिणी को महापौर कुंती देवड़ा व वनिता सेठ ने शपथ दिलाई। कोरोना के कारण पिछले 2 साल में बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है। पढ़ाई के इस गैप को कवर करने के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। अगली क्लास में प्रमोट हुए स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान कम करने का प्रयास है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पहली बार ब्रिज कोर्स शुरू किया जाएगा। इसमें पिछली क्लास की पढ़ाई कराई जाएगी। ब्रिज कोर्स में वो टॉपिक कवर किए जाएंगे जो बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी में भगवान श्री सांवलिया सेठ को एक भक्त ने 407 ग्राम चांदी से निर्मित एक रथ तथा एक दूसरे भक्त ने 107 ग्राम चांदी से निर्मित गेहूं के दाने भेंट किए। मंगलवार को इंदौर मध्य प्रदेश के श्रद्धालु ने 407 ग्राम चांदी का रथ तथा चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी के श्रद्धालु ने 107 ग्राम चांदी के गेहूँ के दाने भेंट किए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।